तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यदि एमसीक्यूज में। भाई कैसे हो? तो आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। और आज मैं बताना लो यानी आज मैं बस्टर या करने आ लूँ कुछ छः ऐसे इमेज जो आप इन लोगों ने भेजे। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना दबा के। तो ये है अपना फर्स्ट मिथ, और इसके लिए सबसे पहले अपन को नेदर पोर्टल में जाना पड़ेगा। ओके, तो नदर में पहुंच चुके हैं। ये मिथ कहता है कि जो पिगलिंस होते हैं उनको अपन मॉब हेड पहना सकते हैं। तो लेट्स ट्राई, मेरे को इस बात पे दम तो नहीं लग रहा है। व्हाट द हेल, ये सच्ची में पहन लिया? यानी मिथ वर्क करता है। एंड क्रीपर का तो बहुत ज़्यादा फनी लगा था, स्केलेटन भाई थोड़ा क्रीपी लग रहा है। एंड एंडल ड्रैगन कैसा लगेगा? ओ भाई ये बहुत फनी लग रहा है, एंडल ड्रैगन वाला बहुत फनी लग रहा है एंडल ड्रैगन। एंड स्टीव का देखते हैं कैसा लगता है, स्टीव हेड पहनता है तो। एक सेकंड, ऐसा क्यों लग रहा है इसके सर पे बस बाल आए हैं? वैसे आपको भी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको भी ऐसा लग रहा है कि बस इसके सर में बाल आया, कुछ चेंज नहीं हुआ, बट ये बहुत अजीब दिख रहा है लिटरली। एंड हाँ, ये मिथ तो अच्छी से वर्क करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। को RIP इन सबका, जिनको मैं नीचे गिराया। मिथ नंबर टू। तो गाइज ये मिथ कहता है, ये मिथ नंबर टू है, ये मिथ कहता है कि अपन कैमल का जो हेड है, जो कैमल यानी ऊँट, ऊँट यानी पता नहीं क्या बोलते उसको संस्कृत में, बट जो भी है ऊँट के अपन सर पे नहीं मार सकते। सबसे पहले अपन इनको मारेंगे, देन बाद में उस ऊँट को मारेंगे। पहले शुरुआत हम क्रीपर से करेंगे, ये बहुत बड़ा दुश्मन है मेरा क्रीपर, कई का साला, इसको ही मार देंगे। वो सामने बिच है, सॉरी विच है, विच सॉरी 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 सॉरी। ओके, तो अब छोड़ते हो सब काम। अब देखो, अब मैं इसके सर पे मार रहा हूँ, क्रिक कर रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा यानी पॉकेट एडिशन का तो दिखता नहीं, पर जावा में पता चलता है। बट मैं इसके सर पे मार रहा हूँ टपली, और इसको पढ़ नहीं रहा है। इसके गर्दन के पास यानी मारो छाती के पास, चेस्ट के पास, तब इसको पढ़ रहा है। यानी ये मिथ वर्क करता है अच्छी तरह से। तो ये मिथ भी वर्क करता है यानी कि एमित बस्टेड नहीं है। तो अब थोड़ा इसको मारते पीटते ले जाते हैं अपन दूर तक। तो चलो नेक्स्ट मिथ की तरफ को चलते हैं, मिथ नंबर थ्री। तो ओके गाइस, ये है मिथ नंबर थ्री। और ये मिथ तो, ये मिथ कहता है कि अगर मैं एरो नैदर से मारूं, पहले अपन एक वॉल खड़ी कर लेते हैं, एंड सेम वॉल नैदर में भी करना है। एंड अगर मैं एक वॉल इस दोनों तरह से कवर कर लूँ नैदर में, अगर मैं ओवरवर्ल्ड से नैदर में एरो मारूं पोर्टल के थ्रू, तो नैदर पोर्टल के इस तरफ आएगा यानी याली वॉल पे लगेगा, बल्कि ओवरवर्ल्ड में नहीं रहेगा। तो लेट्स ट्राई, समझ आ नहीं होगा आप लोगों को, आई थिंक सो। मैंने कुछ एरो मारा हूँ एंड देखते हो अब ये नैदर में जाता है कि ओवरवर्ल्ड में रहता है। वैसे ऐसे दिख तो नहीं रहा, पर एक बार देख लेते हैं। ओके, ये एरो यहाँ पे है। तो लेट्स सी अभी ये अपन को नैदर में मिलेगा कि नहीं, आई होप मिल जाए, नहीं तो मिथ बस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों तरफ ही नहीं है यानी मिथ बस्टेड है। ये अब ये दोनों तरफ नहीं यानी मिथ बस्टेड है। तो अपना पहला मिथ आज के वीडियो का बस्टेड है। तो चलो कोई ना, चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ को। एंड उससे पहले यार थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया जाए मिथ नंबर फोर। तो गाइज ये मिथ है मिथ नंबर फोर। और ये मिथ कहता है, ये मिथ में मेरे को सच में भरोसा नहीं है, ये मिथ कहता है कि जो कैमल है नॉर्मल कैमल, वो 12 ब्लॉक्स तक जंप कर सकता है। तो सबसे पहले मैं ब्लॉक का प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। ओके, तो मेरे को यहाँ पे विलेज भी मिला है पास में इस पॉइंट पे, अच्छी बात है। ओके, तो गाइस अब अपन ने ला लिया अपना रेगिस्तानी घोड़ा, सॉरी कैमल। अब देखते जंप करा के 12 ब्लॉक जंप कर पाता है कि नहीं। ऑलमोस्ट कर लिया था, मैंने 12 ब्लॉक तो नहीं करा पर ऑलमोस्ट इसने कर लिया था। एक बार फिर से जंप करा के देखते हैं, कर जा। ओके, तो ये 10 ब्लॉक्स तक जंप कर पा रहा है यानी मिथ बस्टेड है। बट मेरे को नहीं पता था 10 ब्लॉक्स भी जंप कर पाएगा। तो मिथ तो बस्टेड है बट उतने अच्छे से बस्टेड नहीं, क्योंकि अब मेरे को ये मिथ अच्छा लगा भले बस्टेड था। तो कोई ना, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मिथ की
सकता को, एंड लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोग। मैथ नंबर 5। तो गाइस ये मैथ कहता है कि हम नेदर में स्नो पाउडर बकेट को एज अ MLG यूज़ कर सकते हैं, MLG के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड आग अपन को लगती है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो MLG एक बार मैं करके देखता हूँ, बाकी चलो इधर से कूद के देखते हैं। ओके MLG तो अच्छी से हो रही है, यानी MLG के लिए तो काम कर रहा है। अब मेरे को ट्राई करना है फायर के लिए ट्राई काम करता कि नहीं। ओके तो मेरे को आग लग गई है एंड अब जला कर देख, वो भाई ये सच्ची में वर्क कर रहा है, यानी आग भी बुझा देता है। तो आप अब से जब भी जाओगे नेदर में तो ये दो चीज़ें रख लेना, यानी 2 या 4 बकेट रख ही लेना स्नो पाउडर की, और जहाँ से भी लाओ वो आपकी मर्जी। ओके तो चलो नेक्स्ट मैथ की तरफ को, मैथ नंबर 6। ओके तो गाइस ये है आज की वीडियो का लास्ट मैथ, एंड ये मैथ कहता है कि अगर अपन फायर रेजिस्टेंस पोशन पी के अगर अपन लावा में गिरे तो अपन को कुछ नहीं होगा, वो मेरे को ही पता है। बट अगर हम कोल्ड्रॉन के लावा बकेट में गिरे, कोल्ड्रॉन पे जो रखा हुआ लावा है, तो अपन को डैमेज पड़ेगा। तो ये मैथ मैंने एक बार अपनी शॉर्ट्स वीडियो में करा था माइनक्राफ्ट लॉजिक वाली, बट उसमें वर्क करा था क्योंकि वो 1.19 था, ये 1.20 है, इसमें बहुत सारे बग्स ठीक होते हैं। तो पता नहीं अब देखते हैं मैथ काम करता भी है कि नहीं, बाकी मैथ पहले काम करता था मेरे को इतना पता है। तो अब मैं सेटअप कर देते हैं। ओके तो गाइस सेटअप हो चुका है, एंड अब अपन को अपना सर्वाइवर करना है, एंड सुबह भी कर ही देते सनराइज, बट इफ़ेक्ट उतना कुछ पड़ा नहीं तो मैं जाके सो जाता हूँ पहले, नींद भी होना ज़रूरी है गाइस, इसलिए बोलते जल्दी सोया करो। वो बात अलग है, क्या मतलब मैं जल्दी नहीं सोता ना, छोड़ो कुछ नहीं होता। एंड अब मैंने फायर रेजिस्टेंस पोशन लगा लिया, एंड अब कूद जाते लावा में, कूद गया मैं। ऑरेंज जूस पिएगा कोई बता दो, मैं फ्री डिलीवरी करता हूँ, पैसे 69 रुपीस। तो गाइस अब अपन जाते हैं। ओ भाई मेरे को डैमेज नहीं पड़ रहा, यानी मैथ बस्टेड है, बट ये पहले के वर्जन में काम करता था, पर ये वीडियो है 1.20 के लिए, यानी मैथ बस्टेड है। तो देखो मैं बहुत सारी बार कूद गया पर भी कुछ असर नहीं पड़ रहा, यानी मैथ बस्टेड ही है भाई, बस्टेड ही है। तो चलो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट करना, एंड थैंक्स फॉर 3K गाइस, इट मीन अ लॉट, एंड थैंक यू फॉर एवरीवन। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, आप मेरे को यहाँ पे फॉलो कर लेना। तो गाइस चलो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर एंड बाय बाय।